हेलो अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अरीशा एंड शाज़ेन ब्लॉग। अरीशा की हमने और शाज़ेन की बकरी ली थी, ईद उल अज़हा है, तो मैंने सोचा आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। आप पूरा डिटेल में देखें और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और यहाँ पे पूरी रात के लिए भी लाइट वगैरह लगी हुई थी, क्योंकि मंडी की तरह ये पूरी हमारी बिल्डिंग के ही हैं सारे जो भी हैं, और पूरी बिल्डिंग की रौनक लगी हुई थी रात तक। हम लोग भी तीन तीन चार चार बजे घर वापस गए। हमने तो ईद से एक दिन पहले ही लिया है, लेकिन लोगों ने बहुत एक हफ्ता पहले ही से लेना स्टार्ट कर दिया था। जैसे 10 दिन स्टार्ट हुए थे तो लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पे चौकीदार हैं, चौकीदार देखते हैं, पूरा ख्याल भी रखते हैं, और इसके अलग से चार्जेस होते हैं। अब शाज़ेन और अरीशा नीचे जा रहे हैं चेयर लेके बकरे को देखने के लिए, उनको खाना वाना खिलाने के लिए। माशाल्लाह फुल रौनक लगी हुई थी हमारी बिल्डिंग में, और अरीशा और शाज़ेन भी बहुत ज़्यादा खुश। अरीशा आ जाओ, पहले ऊपर से देखें यहाँ से। ये हमारा बकरा बैठ गया है, और अरीशा और शाज़ेन भी चेयर लेके बैठ गए हैं। इनको बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ये डर रहे थे, आगे जा नहीं रहे थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप जाएं खाना बना दे कर आएँ, लेकिन ये लोग जा ही नहीं रहे थे। जी बेटा, ये आप देख सकते हैं कितनी रौनक लगी हुई है। रात में तो और भी बहुत ज़्यादा बच्चों को मज़ा आया था। शाज़ेन का आया है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी बकरा ईद में इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा, और इसकी ईद के बाद तो और भी ज़्यादा हो गई थी। अभी अपने पापा को देख के दोनों भाग रहे थे, अरीशा फिर भाग गई थी क्योंकि डर रही थी, लेकिन बकरों को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हमारे शाम को ही आए थे बकरे, हमारा चक्कर लगे जा रहा था, बच्चों को भी लेकर आ रही थी। अब ये रात का टाइम हो गया, रात के टाइम आए ये दोनों बकरे हमारे हैं जो गेट पे बंधे हुए हैं, और बच्चे भी आ गए थे चेयर लेके अपनी। शाज़ेन और अरीशा तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जा रहे थे वापस, फिर आ रहे थे घर से बकरों को देखने के लिए, खाना खिलाने के लिए। इस तरीके से इन्होंने रात के 4 बजे तक फुल इन्जॉय किया, उसके बाद भी ये लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन मैंने कहा अब चलना है, सोना है, सुबह ईद है, तो फिर ज़बरदस्ती इनको लेके गई थी। आप खुद देख सकते हैं सारे बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। छोटी ईद जो है, बड़ी ईद जो है, उनमें भी मज़ा आता है जो रमज़ानों के बाद आती है, लेकिन बकरा ईद का अपना ही मज़ा है। ये बकरे होते हैं, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, और रमज़ान वाली बस जैसे जैसे गुजर जाती है, लेकिन बकरा ईद का पता चलता है, क्योंकि बकरे भी आते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। शाज़ेन आपने
खिलाओ ना। अलीशा खिलाओ ना सही करा। अलीशा तो बहुत ज़्यादा डरती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी मम्मा भी डरपोक है। असल में मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इस वजह से अलीशा भी बहुत डरपोक है। शाहज़ैन को तो उसके पापा लेके जा रहे थे तो वो जा रहा था, लेकिन शाहज़ैन भी बहुत डर रहा था। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। फिर थोड़ी इन लोगों को भूख लगने लगी, इनके पापा आ गए थे, ये पापा के साथ शाहज़ैन तो चले गए, लेकिन अलीशा वही डर रही थी। फिर हम थोड़ा बाहर चले गए थे, घर का थोड़ा सामान लेना था, तो इस वजह से बच्चों की चीज़ें लेनी थी। फिर हम बेकरी चले गए थे, बेकरी से थोड़ा बहुत सामान लिया, फिर घर वापस आ गए। फिर वो दोबारा से बकरों के पीछे लग गए थे। शाहज़ैन की नानों भी बकरे को खाना खिला रही थी, मैंने भी खाना खिलाया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैं आपको पूरी डिटेल में इतना बता नहीं सकती, लेकिन बच्चों ने बहुत 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 माशाल्लाह से एंजॉय किया था, और वहाँ के जो दूसरे भी बच्चे थे उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया था। कोई गाय लेके भाग रहा था, कोई बकरी लेके भाग रहा था, सारे बच्चे खुश लगे हुए थे। अलीशा शाहज़ैन तो खैर डर रहे थे तो अंदर थे, लेकिन बाकी सारे बच्चे बाहर थे। मैं खाना खिला रही थी बकरे को, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश की कि थोड़ा बकरों को मैं भी हाथ लगाऊं और खिलाऊं। पूरी बिल्डिंग के बच्चे हैं और ये खूब इंजॉय कर रहे थे। बकरों को भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि आपको तो पता है बच्चे तो होते ही शरारती हैं, लेकिन इतने भी शरारती नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी शरारती ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं है। और ये देखें कितना मज़ा लगा हुआ है, बकरे जो है वो खाना खा रहा है, दूसरा बकरा बैठा हुआ है, और ये बच्चे जो हैं मस्तियाँ करें, खूब इंजॉय करें, और शाहज़ैन अलीशा मेरे साथ खड़े थे। आप खुद भी बाहर का मंजर देख सकते हैं, देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, बकरियों को लेके चल रहे हैं। अलीशा और शाहज़ैन ने बकरों को नहीं चलाया। क्या हुआ?
वेट किया था बेचारे दूसरे बकरी को, दूसरा वाला वेट नहीं दे रहा था, लड़ रहा था उससे बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए अरीशा जो है बैठी हुई है, शाहजहन उनकी मालिश कर रहे हैं, अरीशा थक गई है ना बहुत। अरीशा और शाहजहन बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, फिर इनको मैंने चीज़ दिलाने के लिए भेज दिया था, फिर ये अंशु भाई इनको चीज़ दिला के लेकर आए थे। अब ये चीज़ लेके आए तो फिर अरीशा से बैठा नहीं जा रहा, फिर कहने लगी मम्मा आप घर चले, क्योंकि इनको चीज़ भी खानी थी, फिर चीज़ खा के फिर वापस आना था, इस तरीके से था इनका। बाबा जो है बकरी कटवा रहे हैं, ज़िबा करवा रहे हैं, तो इन्होंने एक बकरा जो है दोनों बकरों को बनके खुद ही जैसे ज़िबा कर किया था, बाकी खाल वगैरह जो है उन्होंने उतारी थी जो कसाई होते हैं। बस अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे हर किसी की। और ये हम ऊपर से देख रहे थे क्योंकि नीचे बहुत डर लग रहा था देखने के लिए, बच्चे भी मैंने कहा डर जाएंगे, तो इसलिए मैं ऊपर से इनको दिखा रही थी ताकि इनको इतना नज़र भी ना आए और आराम से हमें भी देख सकूं। फिर इनके बाबा ने कुछ सामान मंगवाया था तो हम नीचे आ गए थे, शाहजहन अपने बाबा के पास चले गए और फिर हम थोड़ी देर के बाद फिर वापस चले गए थे। फिर हमने ऊपर से देखा था दूसरा से इनको बकराए ज़िबा होते हुए। जो है छुरी करेंगे, गर्दन में लगाएंगे और ज़िबा करवाएंगे, बस अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। अरीशा बाइक पे जा रही है अपने अप्पू के साथ, ये जो अप्पू है अरीशा के ताया है, और अरीशा उनको अप्पू और अम्मी कहती है, और ये छोटे चाचू हैं, शाहजहन सो गए थे तो चाचू जो है वो गोद में लेके खड़े हो गए थे, उनके पापा गाड़ी लेने गए थे।
दूसरे दिन वो मोहम्मद वाले भी आए थे, फिर हमने खूब इंजॉय किया था। बल्कि पहले दिन आए थे, दूसरे दिन तो मोहम्मद वाले भी कुर्बानी करते हैं ना, तो ये पहले दिन आए थे, हमने कुर्बानी की, फिर उसके बाद मोहम्मद वाले आए थे, फिर हमने रात के टाइम गोश्त मांगा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। माशाल्लाह से ये दोनों मेरे भाई के बच्चे हैं, अब्दुलरहमान और मोहम्मद करीम को तो आप जानते होंगे, इनकी भी अक्सर मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था ईद का दिन।